Kaç kişiyiz ha? आज का जो यूनिट है जो हमने स्टार्ट किया है उसमें है कि तीन डिपार्टमेंट्स का बहुत अच्छा रोल रहा है हमारे साथ। पहली ये है जो उम्मीद है, उम्मीद हमें ट्रेन करता है कि कैसे आप बाहर आओ, कैसे आपको बात करनी है, कैसे आपको मतलब आगे बढ़ के रहना है। तो उसमें हमें पहले उम्मीद ने सपोर्ट किया, उसके बाद हम राष्ट्रीयवाणीपुरा में गए जिन्होंने हमें एक ट्रेनिंग दी वहाँ पर पापड़ मेकिंग की और पिकल मेकिंग यूनिट। उसमें उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई हमें, जैसे कि मसाला टिक्की बनाना सिखाया है, जैम बनाना सिखाया है कि और पिकल और दूसरा मीट पिकल, उन्होंने उस बारे में हमें ट्रेन किया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत बार हमें कॉल की कि आपने स्टार्ट किया, ये हमारे पीछे रहे। फिर हमने एक इनिशिएटिव लिया साथ में मिलके, जिन्होंने जो हमें वहाँ से ट्रेनिंग मिली तो उनमें से हम 10 लड़कियाँ जो है हमने बोला कि हम आगे बढ़ के कुछ कदम उठाएंगे, अपने लिए कुछ करेंगे। फिर हमने डॉक्टर नुसरत मैम से रابطہ किया तो उन्होंने हमें जो है PFME केस के बारे में बोला कि ऐसा ऐसे आप पहले खुद के। फिर हमने उम्मीद से मदद ली कि हमने उनसे फाइनेंस लिया है तो फिर उससे हमने ये मशीनरीज वगैरह लिया है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने हमें सब्सिडी दी है। जैसे हम निकले घर से वैसे सभी लड़कियां जो भी माँ बहन सब निकलो घर से, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल लड़कियां ही आगे चलती हैं, कोई किसी को खाता नहीं है। अगर सब लड़कियां कोई ज्वाइन करना चाहता है हमारे साथ वो कर सकता है। हमें ऑलरेडी 2 यूनिट्स हैं, एक तो हो गया आज इनॉग्रेशन और दूसरे की हो रही है प्रोसेसिंग में है। जी, जो यहाँ पर ये यूनिट पिकल मेकिंग यूनिट यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है RST बांडीपोरा की, क्योंकि ये हमारे इंस्टीट्यूट से ही ट्रेन होकर निकले हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करने का प्रोग्राम बनाया क्योंकि इन्होंने पिकल मेकिंग में ही ट्रेनिंग ली है। तो दूसरी चीज़ ये है कि खाली हम पिकल मेकिंग में ही ट्रेनिंग नहीं दे रहे, हम बहुत सारे कोर्सेज जो है बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो स्किल डेवलपमेंट के जितने भी कोर्सेज हैं, अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं कोर्सेज, पोल्ट्री हैं, डेयरी फार्म है, शीप रेयरिंग है, उन कोर्सेज में उनको डिपार्टमेंटल हेल्प भी मतलब अवेलेबल है। वहाँ पर ट्रेनिंग वो ले रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट से RST बांडीपोरा, बट फिर जब फाइनेंस की बात आती है तो अंडर डिफरेंट स्कीम्स जो डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं उनके लिए वो अवेल कर सकते हैं उसके बाद में, क्योंकि जो बंदा ट्रेनड है वो अच्छे से अपना यूनिट चला सकता है। हम अपने ट्रेनिंग के दौरान इनको बिजनेस क्लासेस से भी मतलब ये अवेयर करते हैं कि आपको अगर कल को फ्यूचर में आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए आपको अलग अलग चीज़ों की मतलब नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मार्केट सर्वे करवाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं, इसके बाद में हमारा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो पहले से किसी बैच में निकला उनका इंटरेक्शन होता है, हमारे जो होते हैं इंस्पिरेशन स्टोरीज इनके साथ शेयर करते हैं, तब जाके इनका माइंडसेट बनता है कि नहीं, अगर किसी ने स्टार्ट किया है तो हम भी कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अस्सलाम वालेकुम, बांडीपुरा के लिए बहुत ही खुश नसीबी वाली बात आज हुई कि एक लेडीज़ ग्रुप जो है बिस्मिल्ला कश्मीर मरीनो लेडीज़ कोऑपरेटिव, जो एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव है, वन ऑफ द फर्स्ट इन द कश्मीर वैली, इन्होंने आज एक CFC स्कीम के अंडर एक मटन प्रोसेसिंग का यूनिट इस्टेब्लिश किया है। तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्वमेंट रहती है, इनकी ट्रेनिंग भी होनी है, जस्ट जो ट्रेनिंग RST ने इनको प्रोवाइड की है, हाउ टू मेक मटन पिकल, हाउ टू मेक अदर काइंड्स ऑफ पिकल, हाउ टू प्रोसेस द फूड, हाउ टू कीप क्वालिटी कंट्रोल। उसके अलावा फिर RST का मैं इस बात में भी शुक्रिया करना चाहूँगी कि ये इंस्टिल करते हैं कॉन्फिडेंस ऐसे बच्चों में जो अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, ताकि ये अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी कर पाए। तो मार्केटिंग और फाइनेंसिस जो होते हैं उसकी भी ये इन्फॉर्मेशन देते हैं इनको, और इनको बराबर तैयार करते हैं टू बिकम बिजनेस पीपल और एंटरप्रेन्योर्स। तो और हमारे डिपार्टमेंट जो है, आई एम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री,
HADP जो हमारा प्रोग्राम रहा है, ये 5 साल का प्रोग्राम है, उसमें हमारा एक CFC मटन के तहत एक स्कीम ये हमारी शुरू हो गई बांडीपुरा में, और इसी स्कीम के तहत हम इनको मॉनेटरी इंसेंटिव दे पाए और इनका अपना भी स्टेक है उस इंसेंटिव में, उस स्कीम में, जिसकी वजह से इन्होंने ये CFC के अंडर मटन का एक प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश किया। तो होपफुली वी विल सी दैट देयर प्रोड्यूस विल बी अवेलेबल इन द मार्केट इन अ वेरी गुड क्वालिटी, एंड हम सब लोग, मैं आप सब लोगों को इन्वाइट करना चाहती हूँ कि इनका प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करें, उसका मज़ा उठाएँ और इनको सपोर्ट करें, बिकॉज हम को ऐसे अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स की सख्त जरूरत है, स्पेशली जो वुमेन है।